कनीना सड़क हादसे में 6 मासूमों की मौत से मातम पसरा हुआ है। जिस स्कूल पर बच्चों के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी थी, उसी स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की बदौलत स्कूल प्रशासन के हाथ से लेकर पैर मासूम बच्चों के खून से रंग गए हैं। जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि पूरे प्रबंधन की है, इसीलिए कार्रवाई भी सब पर की जानी चाहिए। 6 छात्रों की कनीना सड़क हादसे में मौत के मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति यादव, शिक्षा समिति के सचिव होशियार सिंह और बस के ड्राइवर धर्मेंद्र को कनीना कोर्ट में आज पेश किया गया। कनीना पुलिस ने 3 आरोपियों का 5 दिन के लिए रिमांड मांगा और SDJM मेनका सिंह की कोर्ट ने 3 को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 3 आरोपी हमने कल गिरफ्तार किए थे, उनको साहब द्वारा पेश किया गया है। 5 दिन का पुलिस रिमांड हमने रिकॉर्ड वगैरह अन्य पूछताछ करने के लिए लिया गया था, तो हमारे को 5 दिन का पुलिस रिमांड कोर्ट ने मंजूर करके दिया है। तो इसमें SHO द्वारा इसकी मेरी देख रेख में तफ्तीश इसमें अमल में लाई जा रही है और सीनियर अधिकारी जो हमारे हैं वो उसको प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं। इस के जो दिशा निर्देश है उसी के अनुसार इसमें तफ्तीश। सर, रिमांड के दौरान किस तरह की रिकवरी की जाएगी? ये इसमें जो हमारा रिकॉर्ड है वो लेंगे और अन्य जो मुलजिम है उनकी भी हमें तलाश की जानी है और जो धर्मेंद्र ड्राइवर है उससे और ज़्यादा पूछताछ करेंगे। इसलिए शराब जो पी थी कहाँ पर बैठ के। सर, बस 4-5 और बता रहे हैं अन्य बस में इसके साथ सवार थे, उन्हीं के बारे में पूछताछ करेंगे। सर, ये जो सर्कल इसका मेडिकल करवाया गया था, क्या शराब की पुष्टि हो गई थी उसमें? आज सर ये 3 का 5 दिन का रिमांड है या अलग अलग है? 3 का 5 दिन। सर, स्कूल की तरफ से क्या क्या गलतियाँ अभी तक सामने आ रही है? अभी तक तो मेन गलती यही आई है कि इन्होंने जो ड्राइवर रखा है उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए, उसका लाइसेंस वगैरह, और उसके अलावा जो बस थी उसका कोई फिटनेस और इंश्योरेंस नहीं है और उसका चलान पहले हुआ भी है। तो इन्होंने जो नॉर्म्स है हमारे हाईकोर्ट और मन में सर्वोच्च न्यायालय के अनुरूप के बाद इसकी पालना नहीं किया। जो बस में पूरा स्टाफ वगैरह जिस सिस्टम से होना चाहिए वो पालना इन्होंने। सर, सुरक्षा के उपकरण भी थे बस में क्या पूरे? इसमें पूरा उन्होंने फॉलो नहीं किया। सर, आप ड्राइवर के कागजात की बात करके ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर नहीं था? हाँ, वो अभी उस हमें रिकवर ड्राइवर का लाइसेंस नहीं हुआ है, उसी बाबत उसका रिकॉर्ड हमने लिया, उसकी सत्यापन भी कराएंगे वो कहाँ से बना है और कब तक वो वैलिड है। सर, तो स्कूल ओनर का जो अरेस्ट होने का था उनका भी क्या कुछ है केस में? उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो स्कूल का ओनर है उसमें भी हम कमिश दे रहे हैं और उसका दूसरा लड़का है वो भी इसका है उसकी साझेदारी इसमें, तो उन पर हम कमिश दे रहे हैं गिरफ्तारी। 3 आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि 2 टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि इस दर्दनाक हादसे में स्कूल प्रबंधन ने बिना दस्तावेज चेक किए ही ड्राइवर को स्कूल बस चालक के तौर पर रख लिया। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जाँच कर रही है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।